थोड़ी देर के बाद फिर आपको एक फ़ोन आएगा क्राइम ब्रांच से, दिल्ली, कलकत्ता या कहीं से भी, पुलिस स्टेशन, इस तरह का आपको फ़ोन आएगा कि आपने इस लड़की के साथ ऐसा 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 किया है, इसलिए अब आपके ऊपर एक नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं चीटिंग की। चीटिंग, ये धरती जब से बनी, ये ज़मीन जब से बनी, तब से इंसान इंसान के साथ करता चला आ रहा है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चाहे नेता वोट मांगने के नाम पर आपसे बड़े बड़े वादे करे और फिर उस वादे को पूरा ना करे तो चीटिंग। बच्चे स्कूल में जाएं, माँ बाप से वादा करके मैं डॉक्टर बनूंगा, मगर वो पढ़ाई ना करे तो माँ बाप। इस तरह की बहुत सारी चीटिंग। दोस्ती में भी दोस्त ने उधार मांगा, सवेरे देता हूँ, उसके बाद मोबाइल बंद, तो ये भी चीटिंग। 5G के दौर में आ गए हैं। 5G के दौर की कहानी ख़तरनाक हो सकती है। अब 5G का दौर आ चुका है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन भी कर दिया, दूसरी कंट्री के लोगों ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। और 5G से पहले 4G में भी चीटिंग होती थी। चीटिंग, साइबर क्राइम, मोबाइल के ज़रिए अलग अलग ढंग से की जाती है। कभी आपको कॉल आएगा, आपकी लॉटरी लग गई है, 25 लाख रुपए आपको मिलना है, मगर प्रोसेस के लिए इतना पैसा आप पहले इस अकाउंट में डाल दीजिए, और अगर ये गलती आपने कर दी तो उसके बाद उस पैसे का तो पता नहीं चलेगा और वो मोबाइल भी बंद रहेगा। बहरहाल अब 5G आया, तो अब इसमें आपको अलग अलग मैसेज आएंगे, अलग अलग कॉल आएंगे। 5G की जो कहानी है, हाई स्पीड डाटा तो हम पहले से चला रहे थे, तो महा हाई स्पीड डाटा अब चलेगा। अब इसमें आपको बहुत सारे कॉल आएंगे कि आपका जो सिम कार्ड है उसको अपडेट करना है क्योंकि वो बंद होने वाला है, 5G में कन्वर्ट हो रहा है, इस तरह की अलग अलग बहुत सारी बातें होंगी। और आपसे एक OTP आएगी, वो बताया जाएगा, और अगर गलती कर दी आपने तो आपके अकाउंट का पैसा उनके अकाउंट में भी जाएगा। बहरहाल, बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि साइबर क्राइम के ज़रिए अलग अलग अंदाज में चीटिंग हमारे देश में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। उसमें एक किसी नंबर से, वो नंबर भारतीय नंबर हो सकता है और आपको हाय का एक मैसेज आएगा। पर एक फ़ोटो दिखाई देगा किसी एक खूबसूरत महिला का, तो कहीं ना कहीं इस दौर में महिला पुरुष का जो रिश्ता रहा है उस हिसाब से भी देखेंगे तो लोग सोचते हैं कि यार ये महिला कौन है, ज़रा देखते हैं। अब उसके बाद आपने हाय के बाद हेलो कर दिया, इस तरह से बातें धीरे धीरे बढ़ेंगी और फिर महिला पहले तो सामने नहीं आएगी, मगर जब बात आगे बढ़ जाएगी तब आपके मोबाइल पर आपको एक मैसेज मिलेगा कि क्या आप हमसे बात करना चाहते हैं, ऑनलाइन सेक्स करना चाहते हैं, इस तरह का मैसेज आपको आएगा। और जैसे ही आपने यस किया, सामने से आपको वीडियो कॉल आएगी। सामने जो लड़की होगी वो कपड़े उतारते हुए दिखाई देगी और आप अगर उसमें फंस गए तो फिर समझ लीजिए कि ब्लैकमेलिंग का ऑनलाइन ये बड़ा कारोबार जो हमारे देश में चल रहा है उसमें आप फंस गए। मैं भिवंडी शहर से हूँ, भिवंडी शहर में भी कुछ लोगों के साथ इस तरह की घटना घटी है। इसका मतलब देश के दूसरे कोने में भी, अभी उत्तर प्रदेश का एक मैंने वीडियो देखा तो उनको भी इसी तरह से फंसाने की कोशिश की गई। तो इस तरह के ऑनलाइन जो मामलात है उससे बचने की कोशिश है। जैसे ही आप बात करना शुरू करेंगे फिर आपको अलग अलग तरीके से कन्विंस किया जाएगा और थोड़ी देर के बाद फिर आपको एक फ़ोन आएगा क्राइम ब्रांच से, दिल्ली, कलकत्ता या कहीं से भी, पुलिस स्टेशन, इस तरह का आपको फ़ोन आएगा कि आपने इस लड़की के साथ ऐसा 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 किया है, इसलिए अब आपके ऊपर एक FIR होने जा रही है। अगर आप पैसे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये होगा। अब अगर आप थोड़ी देर बर्दाश्त किए और पैसे की बात आगे नहीं बढ़ती है तो फिर आपने जो जो किया वो एक वीडियो अब पहले आपके व्हाट्सएप पर आएगी, के कान खड़े होंगे और आप सोचने लगेंगे अब क्या करें। फिर एक मैसेज आएगा और वो बताया जाएगा कि ये वीडियो अब पूरी तरह से वायरल करने की तैयारी हो चुकी है। एक समझ लीजिए कि आप ब्लैकमेलिंग के कारोबार में फंस गए, हालांकि ना उसमें कोई क्राइम ब्रांच है,
ना ही कोई पुलिस स्टेशन होता है। ये ऑनलाइन चीटिंग का एक बड़े पैमाने पर कारोबार होता है और ये हिंदुस्तान में ही नहीं दूसरे देशों में भी चल रहा है। इसलिए अनजाने लोगों से, खासकर महिला अगर सामने है और वो आपकी जानकारी में नहीं है, तो इस तरह की मुसीबतों से दूर रहना हम सभी के लिए बेहतर होगा। और 5G सामने है, अब चिटिंगबाजी के कारोबार बड़ी तेज़ी में चलेंगे।